जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक। कौन सा राज था वो आपने सुना हुआ है ना, राज क्या था? आयतुल्लाह नखूत की इस्फ़ानी अंसारी हमदानी से भी है कि जहाँ सवाल पूछा गया कि ये लैलतुल कद्र हज़रत सैयदा हैं ये कैसे हैं, तो बहरहाल मुख्तलिफ़ तफसीर हैं, तो उन्होंने इसकी तफसीर करके बताई कि मैं आपको बताता हूँ कि लैलतुल कद्र हज़रत सैयदा कैसे हैं। कहा हुर ने, रोका इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन ने कहा तेरी माँ तेरी अज़ा में बैठे। हुर ने कहा मौला मैं आपकी माँ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस कहा ये जो उसने एहतराम किया, ये एहतराम उसका, वो शब आशूरा जो कि उस लश्कर में आग के दरमियान अपने आप को देख रहा है, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान देख रहा है, चल रहा है। पूछने वाले ने पूछा हुर तुम्हें क्या परेशानी है, हम तो तुम्हें कूफा का सबसे बहादुर शख्स समझते हैं, जब भी बहादुरी का जिक्र आए तुम्हारा नाम, तुम क्यों परेशान हो? कहा मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान देख रहा हूं, मैं किधर जाऊं? कहा वो एक बीबी का एहतराम करना एक रात में हुर को जन्नत ले गया। कहा ये है लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, ये है। कहाँ सारी रातें उसने कहाँ गुजारी थी और एक रात उसको हजारों महीनों से रातों से अफजल ले गई। ये है या जहरा, ये है कि हम जहर हम तो, मैं तो एक खुदा खताकार गुनाहगार आदमी हूँ, मैं इन रास को क्या सम, बहरहाल जो असातीद से सुनते हैं हम तो बहरहाल वही आपकी खिदमत में वापस देते हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाएं कि ये क्या राज है या सैयदा या फातिमा तो ज़हरा, इन्हें सारा इम्तिहान आपने दे दिया, सारा इम्तिहान आपकी औलाद दे दिया, इस्लाम आप ही की औलाद की मरूने मिन्नत खड़ा हुआ है, हत्ता इंसानियत अगर कायम है तो आप ही की वजह से। खुद नेल्सन मंडेला तो अफ्रीका का जो लीडर है वो ये क्या कहता है, मैं इतने जिंदान में रहा, कैद में रहा, जब मैं वो एग्रीमेंट साइन करने लगा रात को तो मुझे इमाम हुसैन की कुर्बानी याद आ गई, तो मैंने छोड़ दिया, साइन नहीं किया। कहाँ पहुँची, यानी क्या, यानी जहाँ मुसलमान और शिया की बात नहीं, यहाँ इंसानियत की बका, इंसानियत की बका है हुसैन में। इधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक अली अली हक है अली हक है अली हक है अली अली जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।